जी भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा परेशानी में है और उसका परेशानी में होना स्वाभाविक है। मतलब कोई वो अप्रत्याशित नहीं है और कोई ऐसी नई बात नहीं है कि उनको कोई जो है मतलब नई चीज पैदा होगी परेशानी की। असल में राहुल गांधी ने तो केवल उन चीजों को हवा दी है जो चीजें पहले से मौजूद थी और उनपे पर्दा जो था वो पड़ा हुआ था। जो विपर्जॉय तूफान टकराया अभी आकर के गुजरात के तट पे, तो उस तूफान ने बहुत सी रेत उड़ा दी है। तो राहुल गांधी ने तो अपने तूफान में वो रेत उड़ा दी है जो पहले ढकी सब चीजों को ढकी हुई थी, उस पर पड़ी हुई थी। तो अब वो असली चीजें जो है वो सामने निकल करके आ रही है। राहुल गांधी ने उन चीजों को किया है। देखिए राजीव जी, जो राहुल गांधी की जो व्हील पॉलिसी आपने भी बताई कि वो पहिए वाली पॉलिसी है, तो इस पहिए का मानव जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। राजीव जी, आज जो जिंदगी चलती हुई दिख रही है और मानव जिस अवस्था में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें पहिए के आविष्कार की बहुत बड़ी भूमिका है। और अगर इस पहिए का आविष्कार नहीं होता तो आज मनुष्य है वो मनुष्य नहीं होता। राहुल गांधी अगर उस पहिए की चाक को जो है समझ गए हैं और उस पहिए की चाल के साथ अगर तादाद में स्थापित करके समझना चाहते हैं कि इस पहिए की चाल किस गति से चलती है और ये कहाँ कहाँ जो है क्या क्या मोड़ लेती है, और वो चीज़ अगर उनकी समझ में आ गई है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो समय का पहिया पीछे ले जाना चाहती है तो उसके लिए दिक्कतें पैदा करने वाली निश्चित तौर पर है। क्योंकि राहुल गांधी समय का पहिया आगे लेकर के जाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी समय का पहिया पीछे लेकर के जाना चाहती है। तो ये दोनों के बीच जो है वो लड़ाई का एक जो है मुख्य बिंदु है। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के जो शब्दों में जो रियर व्यूर मिरर व्यू है उसको देखना चाहती है और राहुल गांधी आगे की चीज देख रहे हैं। राहुल गांधी भविष्य का भारत देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी प्राचीन भारत के ऊपर गर्व कर रही है। अब वो कौन सा प्राचीन भारत है, कैसा प्राचीन भारत है, किसका प्राचीन भारत है, उस प्राचीन भारत की सीमा क्या है, वो प्राचीन भारत कहाँ तक फैला हुआ था, उसके कितने टुकड़े थे, वो अलग का मसला है। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या समझ है क्या नहीं है वो अलग की चीज है। लेकिन राहुल गांधी ने राजीव जी इन पहियों की सवारी करके जिस तरीके से जनता की समस्याओं को समझने की कोशिश की और उनपे जो बातें कर रहे हैं, अब जैसे वो यहाँ जो उन्होंने ट्रक की यात्रा करी, तो यहाँ तो उन्होंने पूछा कि आप कितना पैसा बचा लेते हैं, बच्चों की शिक्षा कैसे होती है, अंग्रेजी पढ़ो है कि नहीं पढ़ो है, यानी आप देखिए कि मतलब वो समझना क्या चाहते हैं। और जब अमेरिका में जब वो ट्रक ड्राइवर के साथ यात्रा करते हैं तो उससे पूछते हैं कितना कमा लेते हो, यहाँ कितना है, वो कहता है 4 से 5 हज़ार, वो कहते हैं महीने के एक तो कहता है, हाँ मतलब आश्चर्यचकित होते हैं कि यानी 10 से 12 हज़ार रुपया जो है वो भारत में ड्राइवर की एक तनख्वाह है और अमेरिका में जो ट्रक ड्राइवर है वो 4 से 5 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है। तो क्या अंतर है, मतलब वो समझना चाहते हैं यहाँ के ट्रकों की क्या व्यवस्था है और वहाँ के ट्रकों में क्या चीज़ है। तो ये वो जो है वो अंतर जो समझ रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो काफ़ी जनता से बिल्कुल एकदम मिलजुल रहे और जनता की जो चीज़ें उनको समझ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी यही है। अब भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पर लड़ाई लड़ना चाहती है, जिन मुद्दों की लड़ाई लड़ती है भारतीय जनता पार्टी, वो सिर्फ भावनात्मक मुद्दे, उसका आम जनता से किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब देखना राजीव जी ये होगा कि 2024 का जब चुनाव होगा तो ये भारतीय पार्टी की जो भावनात्मक मुद्दे हैं या जो सांप्रदायिक विभाजन के मुद्दे हैं जिन्हें हम भावनात्मक मुद्दे कहते हैं, अब वो भावनात्मक है कि नहीं है, लेकिन जो विभाजन के मुद्दे हैं, क्या ये जनता की असली समस्याओं के मुद्दे पर हावी होते हैं कि नहीं होते हैं। तो अब ये लड़ाई जो है बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई जो है 2024 में राजीव जी ये होने जा रही है। अब जो 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव है, मुझे लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा बैकफुट पर पहुंचती चली जा रही है और जिस तरीके की सूचनाएं आ रही है, जिस तरीके की जनता का मूड समझ में आ रहा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानियां बढ़ी हुई। अब देखिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी एक आंदोलन कर रही है कि साहब पर्चे आउट होते हैं। अब उस पर्चे आउट के आंदोलन के पीछे भी जो है मतलब वहां भी वो निपटारा कैसे चाहते हैं, वो आंदोलन जो है वो अशोक गहलोत के खिलाफ नहीं है, वो आंदोलन भी वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ है। एक तरीके से कहा जाए कि किसी तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया जो उस मामले में फंसे। आपका तेलंगाना का अध्यक्ष जो है वो कौन, बंदी संजय लाल जो है वो वहां पेपर लीक मामले में फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और आप आंदोलन में है राजस्थान में आंदोलन कर रहे हैं पेपर लीक का। तो ये जो पार्टी बेचैनी है और जो उनकी अंदरूनी चीज है, अब मुझे एक चीज जो लग रही है वो लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी शायद ये चीजें होने लगी है कि जब सब कुछ मोदी जी करते हैं, सब कुछ किया हुआ मोदी जी का ही है, तो इनको ही करके देख लेने, तो भैया हमारे कुछ करने का नहीं है, यही करें सब कुछ, जब सब कुछ इन्हें करना है और हमें किसी को कुछ नहीं करना है, हर जगह पोस्टर इन्हीं का लगेगा और पोस्टर फटेगा तो इनका ही फटेगा, तो इनका ही पोस्टर लगने दो और इन्हीं का पोस्टर फटेगा, अब हमें किसी को अपना उस दांव पर नहीं लगाना है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर भी ये चीज आ रही है और जिस तरीके से गुजराती व्यापारियों का गुजरात की IAS लॉबी जो है जिस तरीके से वो हावी होती जा रही है प्रशासनिक स्तर पर भी,
उसका भी कुछ ना कुछ असर जो है वो इन सबके व्यू रचना में पड़ रहा है जाकर के। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशान करने वाली है। राहुल गांधी के जन समस्याओं को उठाना, उन पे बात करना लगातार, जनता से सीखना और समझना कि आपकी समस्याएं क्या है, उन समस्याओं पर हम चल के बात करेंगे। जो कर्नाटक की जो 5 गारंटियां आई और जो घोषणा की गई तो हवा में नहीं आ गई। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा में निकले और लगातार जनता से संवाद हुआ, समस्याएं समझी, तो उन समस्याओं से ही समझ में आया कि एक आम गृहणी है उसकी मुख्य समस्या क्या है, तो क्या लोगों की समस्या है। तो इसीलिए वो 5 गारंटियां निकल करके आई। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये आम जनता के मुद्दों की राजनीति है। और ये अगर जनता इस राजनीति को समझती है और इसी पे अगर जनता आती है तो भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तौर पर परेशानियां पड़ने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी चीजें भी है वो भी इन विधानसभा के लिए आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी पैदा करने वाली है। और इन विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है जो साफ साफ दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 2024 में उसका प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ेगा, क्योंकि 2024 जो होगा वो 2019 नहीं होगा। राजीव जी, 2024 जो है 2019 नहीं होगा, हम लोग एक तरफ से देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से अगर बीजेपी की तरफ से देखा जाए, स्वामी जी आपके पास आना